हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मोदी सरकार से बजट को दिशाहीन और आंकड़ों का खेल बताया। ये बजट जो है सिर्फ आंकड़ों का खेल है और दिशाहीन बजट है, और जो किसान को 2022 तक आमदनी दुगनी करने की बात कर रहे हैं, किसान की आमदनी दुगनी कैसे हो सकती है? नंबर एक, उसको उचित भाव मिले। नंबर दो, उसकी पैदावार बढ़े। उस तरफ कोई कदम नहीं, उस तरफ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। खाली सोलर पंप लगाने से किसान की आमदनी दुगनी नहीं हो सकती है, खाली जैविक खाद का इस्तेमाल करने से किसान की आमदनी दुगनी नहीं हो सकती है। किसान की आमदनी होगी दुगनी, स्वामीनाथन फार्मूला लागू करें। क्यों? लागत बढ़ती है उसके हिसाब से मुनाफा दिया जाए। लागत तो बढ़ रही है, आमदनी घट रही है, एमएसपी भी नहीं मिल रही। और जो एक और जो सुनने में आ रहा है कि एमएसपी पे भी रोक लगाने की बात करें, उसकी भी कोटा फिक्स करने की बात है। गेहूं और चावल में भी कोटा फिक्स हो गया तो आप समझते हो किसान को तो ऐसी मार पड़ेगी। दुगनी को तो छोड़ो, आमदनी तो छोड़ो, उसकी जो मौजूदा आमदनी है उससे भी आधी हो जाएगी।